ईश्वर दुनिया की एक्सक्लूसिव खबरों के लिए सब्सक्राइब करें माय एजुकेशनल वीडियो और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले मिले देश और दुनिया की एक्सक्लूसिव खबरें। शनिवार सुबह महाराष्ट्र में भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला। बीजेपी ने एनसीपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार को लेकर चल रही उठापटक का पूरा खेल ही बदल दिया और सरकार बना ली। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने देवेंद्र सिंह फडणवीस को सीएम पद की शपथ दिलाई। वहीं अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। फडणवीस के सीएम बनने पर नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। पीएम ने कहा, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी को क्रमशः मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई। मुझे विश्वास है कि वे महाराष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य के लिए लगन से काम करेंगे। सीएम पद की शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया था। हमारे साथ लड़ी शिवसेना ने उस जनादेश को नकार कर दूसरी जगह गठबंधन बनाने का प्रयास किया। महाराष्ट्र को स्थिर शासन देने की जरूरत थी। महाराष्ट्र को स्थायी सरकार देने का फैसला करने के लिए अजीत पवार को धन्यवाद। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए 21 अक्टूबर को चुनाव हुए थे और नतीजे 24 अक्टूबर को आए थे। राज्य में किसी पार्टी या गठबंधन के सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करने की वजह से राज्य में 12 नवंबर को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया।